तो अभी आप देख सकते हैं ये हमारे पूरे आलू के खेत, और ये आलू वाइट आलू नहीं होते, ये पूरे रेड कलर के आलू होते हैं, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ नीचे तक हमने पूरे ये आलू बो रखे हैं, यहाँ नीचे पे चाचा लोगों का खेत है और यहाँ पर से ऊपर ये। हेलो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे। और मैं आपको आज इस ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ, अभी मैं थोड़ी हल लगा रहा था तो अभी आपको वो भी दिखाता हूँ कहाँ पर मैं हल लगा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमारे खेत हैं आलू के, और जो आलू होते हैं हमारे इधर, तो वो मतलब पूरे लाल आलू होते हैं, इधर वाइट आलू मतलब केवल 5-10% में होते हैं। तो जो हमारा गांव है यहाँ लगभग 95% लोग यही लाल आलू बोते हैं। तो अभी आप ये देख सकते हैं भाई, ये कुछ इस टाइप के होते हैं। वैसे होते तो सेम वैसे हैं, लेकिन जो इनका पौधा होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, ये देख सकते हैं। और अभी आपको मैं नीचे दिखाता हूँ कि हमने कितने एरिया में आलू बो रखे हैं। भाई ये रहा हमारा सेब का पेड़, ये देख सकते हैं, और यहीं से हमारे जो आलू के खेत है वो स्टार्ट होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और बाकी यहाँ पे रहा ये घर हमारा, हमारा घर और ये चाचा लोगों का घर इधर बगल पे। और इधर देख सकते हैं भाई, यहाँ से ऊपर ये हमारे खेत है और यहाँ से नीचे ये चाचा लोगों के खेत है, बाकी नीचे ताऊ लोगों के खेत। और अभी मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर आगे पर हल, तो अभी चलिए वहाँ पर भी दिखाता हूँ। ये तो मैंने इससे पहले लगा दिया था एक दिन, और आज यहाँ से ऊपर। तो गाइज़ भाई ये रही मेरी दीवार, एक दिन मैंने इससे पहले एक वीडियो में बताया था, और उसी वीडियो में बनाया था मैंने ये दीवार, देख सकते हैं आप। ये खेत में मैंने अभी कंडीशन तो इसकी फ़िलहाल अच्छी है, तो देखिए एक साल बाद कैसी होती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा मेरे सेब का पेड़, ये लगा रखे पापा जी ने, और इसकी जो देख रेख करी है वो मैंने करी है। तो भाई मैंने आपको अभी बताया था कि जो खेत है वो मैंने हल्का फुल्का एक दिन पहले लगा दिया था यहाँ पे, और थोड़ा 5-10 मिनट यहाँ पे भी लगा लिया था, तो थोड़ा सा छूट गया था, तो यहाँ से ऊपर छूट गया था, तो ये मैंने अभी लगाया यहाँ पे, और अभी आधे एक घंटे का छूट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहे हमारे बैल, और मैंने उनको तो भाई उधर पीछे छोड़ा था, और ये अभी आप देख सकते हैं कितने आगे आगे। तो इनको मैंने वहाँ पर घास दे रखा था, शायद उन्होंने वो ख़त्म कर दिया या फिर ऐसे छोड़ दिया, ये इधर जो घास इधर नया आ रहा है तो उसको खाने के लिए। आप देख सकते हैं हल भी दूर लागिए, और भाई ऐसे में तो हल टूटने का ख़तरा होता है, और हमारा हल देख सकते हैं कुछ इस टाइप का होता है। और ये रहे मेरे दो बैल, और इसको हल लगाना तो मैंने ही सिखाया, और इसको भी मैंने ही सिखाया, लेकिन तब छोटा था मैं, 4-5 साल पहले इस सिखाया था, और इसको जस्ट 1 साल पहले सिखाया मैंने हल लगाना। तो खेत हमारे होते हैं जो इधर के, वो मतलब चौड़े नहीं होते हैं, लेकिन जो लंबाई होती है वो होती है काफ़ी, चौड़ाई कम होती है, काफ़ी कम होती है आप देख सकते हैं। बाकी जो मैदानी एरिया में चौड़ाई होती है खेतों की वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 2-3 मीटर लंबाई देख सकते हैं, बस 3-4 मीटर से ज़्यादा लंबा चौड़ा खेत नहीं होता, सॉरी। तो चलिए भाई, अभी टाइम भी काफ़ी हो गया, 9:30 हो गया है, तो थोड़ी देर में और ज़्यादा धूप हो जाएगा, अभी भी वैसे धूप काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो चलो मैं भी ज़रा हल लगाता हूँ। चल चल। तो भाई अभी लगा लिया है मैंने हल, ये आप देख सकते हैं भाई, थोड़ा सा हल्का छूट गया यार यहाँ पे, क्योंकि बैल को एक मधुमक्खी टाइप की होती है वो काट देती है, तो भाई उसने वो अपने जो कंधे में डाल रहा था हल्का उसको तोड़ दिया था, तो वैसे है नहीं, बस 1 मिनट का बचा था, तो क्योंकि इसके बाद एक बार और लगाना पड़ता है हल, तो उस टाइम उसको कर लूँगा। और इसमें आपको बता दूँ कि अभी हम राजमा बोएंगे लगभग 10-15 दिन बाद, तो एक बार फिर से लगाना पड़ेगा। तो अभी चलते हैं बैल को जहाँ गौशाला है वहाँ बांधने चलते हैं,
और गर्मी देख सकते हैं भाई मेरे पे पसीने देख सकते हैं आप, बहुत ख़तरनाक वाली गर्मी हो रही है। और एक ये नीचे तीसरा वाला खेत, इन तीन खेतों में मैंने अभी हल लगाया, लगभग 2-2.5 घंटा लगा होगा टोटल मिला के जो टाइम था। तो अभी चलते हैं यहाँ से आगे, बैल को यहाँ ऊपर बांधे, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक गौशाला यहाँ नीचे है और एक ऊपर, तो यहाँ पे जाना है, यहाँ से ऊपर जाएंगे। हालांकि बैल तो आगे चलेंगे, तो मैं अपने चप्पल पहनता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं भाई, ये जैसे ही मैंने इनको वहाँ खेत से छोड़ा, तो आप देख सकते हैं ये सीधा यहाँ ऊपर गौशाला पे पहुँच गए। इनको भाई 2 मिनट भी नहीं लगा, मुझे तो ये सीधा यहीं पर मिले, मैं तो इनके काफ़ी बाद आया। तो आप ये देख सकते हैं ऐसे भाग भाग के जा रही है दोनों, और ये रही हमारे गौशाला यहाँ पे इधर पे, और ये ऊपर पे चाचा लोगों की गौशाला है, और बाकी इधर भी जो ये खेत है ये पूरे खेत हमारे हैं। और बाकी ये दीवार वगैरह आप देख सकते हैं इधर, जो मेरे दादाजी थे तो उन्होंने डाल रखी है पूरी दीवार यहाँ ऊपर तक, जहाँ तक आपको दिख रहा है ये पूरी दीवार ये दादाजी ने डाल रखी। और बाकी ये आजकल गाय बांधी रहती है यहाँ गौशाला में, तो इसलिए घेर भाड़ कर रखा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसके अंदर बाकी चौलाई वगैरह भू रखा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये रहे यहाँ पे हमारे गौशाला, तो गौशाला भी ऐसी व्यू वाली जगह पे है, ये देख सकते हैं आप इधर। तो अभी लगाते हैं इनको यहाँ से अंदर, और ये भाई मेरे से काफ़ी दूरी बना के रहता है, पता नहीं क्या नफरत है इसको मेरे से। अभी आप देख सकते हैं ये गए यहाँ से अंदर, और बाकी यहाँ से आप इधर देख सकते हैं भाई, ये रहा हमारा गांव, ये रहा हमारा पूरा गांव ये, और बाकी यहाँ पे ये गौशाला। और अभी जहाँ पे मैं हल लगा रहा था यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा हमारा घर, और गांव देख सकते हैं कुछ गांव इसके पीछे भी है, इसके पीछे भी है कुछ घर मतलब, और बाकी कुछ घर यहाँ ऊपर देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा गाँव है हमारा। और बाकी इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी ऊपर वो इसके पीछे बनाई थी, आप देख सकते हैं चनाव वैली बनाया था इसके पीछे है। तो अभी करते हैं ये वीडियो को यहीं पर ही, आई होप कि आपको जो ये आज का ब्लॉग था ये भी पसंद आया होगा, और उम्मीद है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और साथ ही साथ वो बेल आइकन को भी ऑन कर दिया होगा। बाकी आप हमेशा ऐसे मुस्कुराते रहिएगा, टेक केयर एंड बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय बद्रीनाथ, वंदे मातरम, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए।